यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब कानपुर से अहम खबर, एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज जिला प्रशासन तनातनी मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दो दिन पहले डॉक्टर्स और डीएम के बीच विवाद हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम योगी ने इसकी जानकारी ली है। अब डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने पर सबूत देना होगा। कानपुर में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर भी सीएम ने असंतुष्टि जाहिर की है। ट्रेसिंग और ज्यादा से ज्यादा हो, जांच करने के निर्देश दिए हैं सीएम ने। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। डीएम डॉक्टर्स विवाद मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है और खुद सीएम ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और डॉक्टर्स को अब ड्यूटी पर आने का सबूत देना होगा। एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। सीएम आवास पर आपको बता दें, सीएम ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक टेस्टिंग बढ़ाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इन सब पर जोर देना होगा। दरअसल हुआ क्या था, पूरी खबर आपको बता देते हैं। डीएम क्यों भड़के और डॉक्टर्स के क्या आरोप हैं। डीएम भड़के, कल डीएम निरीक्षण के लिए निकले थे, डीएम के खिलाफ डॉक्टर्स लामबंद हो गए और दोनों के बीच में शुरू हो गया विवाद। हैलेट हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए डीएम आए थे और बिना पीपी किट के रेड जोन में डॉक्टर्स घूम रहे थे, ये आरोप लगा। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर्स नदारद थे, ऐसा डीएम ने कहा, और आईसीयू में काम कर रहे थे, रेजिडेंट्स को नीचे बुलाया, ये डॉक्टर्स की दलील थी। इसके अलावा डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं थे जिसके कारण डीएम भड़क गए, उनका ऐसा कहना था। और डॉक्टर्स ने कहा कि रेजिडेंट्स को बुलाने पर मरीजों की हालत बिगड़ी, मतलब उनको डिस्टर्ब हुआ। तो दोनों ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के साथ चल रहा था। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, एक तरफ डीएम कह रहे हैं कई डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं थे, दूसरी तरफ डॉक्टर्स कुछ और दलील दे रहे हैं, लेकिन बड़े बात यह है कि ये जो डीएम और डॉक्टर्स के बीच में वाद विवाद हुआ ना, उसका जो केंद्र है वो मरीज है। घूम फिर कर नुकसान जिसका है वो मरीज का है, और इस बात को भली भांति समझ रहे हैं सीएम योगी, उन्होंने भी संज्ञान लिया इस पर। विस्तार से बताइए जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कानपुर के हालात हैं, कोरोना बेकाबू है और सबसे अहम कि मृत्यु दर जो है वो यहाँ पर काफी है, लिहाजा जिला प्रशासन, डीएम, सीएमओ और एडीएम सभी अधिकारी जो है वो लगातार हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते दो दिन पहले हैलेट अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जो हॉस्पिटल है वहां पर निरीक्षण किया गया। जहां पर डीएम पहुंचते हैं तो उनको कई खामियां दिखती हैं, कई लापरवाहियां वहां पे दिखती हैं और डॉक्टर्स जो है वो नदारद दिखते हैं, जिसके बाद जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने मतलब सीधे सीधे तौर पर जो प्रिंसिपल है उनसे कहा कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो नदारद हैं, कंट्रोल रूम जो है वो बंद है और काफी खामियां दिख रही है, जिसके चलते जो डॉक्टर्स हैं वो किसी कार्रवाई ना हो, किसी तरह की कोई जांच ना बैठे, लिहाजा डॉक्टर्स जो है वो लामबंद हो जाते हैं। उसके बाद वो डीएम पर उल्टा प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर बिना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिलाधिकारी हाईलाइट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कोविड वार्डों में जाते हैं, जिसकी वजह से मरीजों की भी जो स्थिति है वो दिक्कत में आती है। लिहाजा जो प्रिंसिपल हो या डीएम हो उनके बीच में डैमेज कंट्रोल की स्थिति होती है, और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आरबी कमल, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति थी, सभी डॉक्टर्स ड्यूटी पर थे, एक डॉक्टर जो है वो छुट्टी पर थे, उनकी जगह जूनियर डॉक्टर ड्यूटी कर रहा था, पूरी मेहनत से डॉक्टर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है जिसके चलते ये सब पूरा प्रकरण हुआ। लेकिन जिला अधिकारी का साफ कहना था कि जब वहां पर जांच की जाती है, निरीक्षण किया जाता है, तो वहां पर लापरवाही और डॉक्टर्स की नदारद मिलते हैं, जिसका मामला काफी तूल पकड़ता है और एबीपी गंगा इसको प्रमुखता दिखाता है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। यही नहीं, उन्होंने खुद जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर डॉक्टर वहां पर थे तो उनको सबूत देना पड़ेगा कि वो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। वहीं उन्होंने लगातार कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको लेकर भी प्रशासन से और डॉक्टर्स के लापरवाही की बात कही है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने में लेट लतीफी की जा रही है और यही वजह है कि संक्रमण बढ़ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग की जाए, ज्यादा ज्यादा जांच रिजल्ट जो है वो सामने आए और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाए। तो वहीं पूरे मामले पर जो कमिश्नर है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। तो एक जिस तरह से कानपुर के हालात जो है वो बेकाबू है, उसके बाद सीएम का संज्ञान लेना और अब कानपुर प्रशासन का एक बार फिर से एक्शन में आना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रशासन और डॉक्टर्स के बीच में तनातनी का माहौल था, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरीजों को ही भुगतना पड़ रहा था। मरीजों का है और इस ग्लोबल पैंडेमिक के दौर में दोनों ही जिम्मेदार, प्रशासनिक अमला और धड़ा, यदि आपस में ऐसे भिड़ेगा तो दरअसल व्यवस्थाएं कौन देखेगा, जिम्मेदारी किसकी तय होगी, एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।